लोगों को इमिग्रेशन या वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा और इनफैक्ट ऐसे बिजनेसेस बताऊंगा अगर कोई बंदा बिजनेस में स्पार्क रखता है, कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है। पर्टिकुलरली आपने टैक्स भी देने हैं, आपने सर्वाइवल भी बनाना है, आपको TRC कार्ड मिलेगा, तो जो लोगों की फैमिलीज नहीं है उन्होंने फैमिलीज भी लेके आनी है। चाहता है कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं जाके मूव करूँ, तो मैं कौन सा काम जो है ना वो कर सकता हूँ। फुली बिल्डिंग रेंट आउट कर सकते हैं तो इट्स फाइन, अगर फुली बिल्डिंग रेंट आउट नहीं कर सकते तो 2-3 लोगों को मिलाएं, उस बिल्डिंग को ले लें उस। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इमिग्रेशन या वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा और इनफैक्ट ऐसे बिजनेसेस बताऊंगा कि जिनको करके आप अपने इमिग्रेशन को अपनी PR और PR को पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्रोसेस समझिएगा सर कि होता क्या है। बात करेंगे हम जिस कंट्री की, उसे कहते हैं पुर्तगाल। सारी दुनिया पुर्तगाल में जा रही है, पासपोर्ट मिलना थोड़ा सा आसान है, PR मिलना थोड़ा सा आसान है, सिटीजनशिप मिलना थोड़ा सा ईजी होता है वहाँ पर। तो विद इन 4 to 5 years के अंदर अंदर जो है ना वो आपका पासपोर्ट भी आपको मिल जाता है। 5 years का मतलब होता है कि फर्स्ट 2 years आपके TRC के होते हैं, देन नेक्स्ट 5 years, टोटल 7 years का टाइम पीरियड होता है। जल्दी भी ये हो सकता है, इट बेस्ड ऑन योर लक, जिसको नसीब भी हम लोग कहते हैं। तो इसको करने के लिए आपको 6 से 7 साल किसी कंट्री में रहना पड़ता है। अब 6-7 साल आप किसी कंट्री में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको उस कंट्री में रहते हुए या तो कोई कामकाज करना पड़ेगा जिसको हम जॉब कहते हैं, या फिर कोई बिजनेस करना पड़ेगा। यूजुअली जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा इमर्जिंग कंट्री है। बड़ी जल्दी से ये जो है ना वो बंदे को उठा देता है अगर कोई बंदा बिजनेस में स्पार्क रखता है, कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है। पर्टिकुलरली मेरा आज का यही टॉपिक है, उन्हीं लोगों को मैं हिट करना चाहता हूँ जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, स्पेशली वो लोग जो GCC में बैठे हैं या अदर कंट्रीज़ में बैठे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पैसा है, वो चाहते हैं हम जाके भाई वहाँ पे पैसा स्पेंड करें, पैसा लगाएं और हमें वहाँ से पेपर्स मिल जाएं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, हमें भी मिल जाएं, हमारे बीवी बच्चों को भी मिल जाएं। तो उन लोगों को मैं इस वीडियो में टारगेट करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो इस तरह की वीडियोस की तलाश में होते हैं। कोई पर्सनल मैसेज करना चाहे, कोई पर्सनल बात शेयर करना चाहे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे ज़रूर उस पर फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। कोई जनरल बात है तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो अब बात करते हैं सर सबसे पहले प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये है कि आपने पुर्तगाल में एंट्री ले ली है, अब आपकी वो एंट्री लीगल है तो आपको 6X पे करने पड़ते हैं, आपकी एंट्री इलीगल है आपको 12X पे करने पड़ते हैं। आपने कर दिए, आपने अपनी फाइल लॉक करवा दी। फाइल लॉक कैसे करवाते हैं उस वीडियो में जाके देखें, आर्टिकल कौन सा चूज़ करते हैं 89 या 88 वो भी उस वीडियो में जाके देखें। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा टू दी पॉइंट जिस टॉपिक के ऊपर, वो ये है आपकी फाइल लॉक होने के बाद आपको TRC कार्ड मिलेगा 2 साल तक। अब वो जो 2 साल का टाइम पीरियड है वो कम हो के 12 महीने, 1 साल जिसे कह सकते हैं, 13 महीने, 14 महीने तक की ब्रैकेट में वो आ रहा है, मतलब कि 1.5 ईयर की ब्रैकेट में आप उसको कंसीडर करें। होपफुली आने वाले दिनों में वो और भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। इस टॉपिक पे और भी वीडियोज़ हैं, उनमें जाके देखिएगा, TRC कार्ड का टाइम ड्यूरेशन आप उसको देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट इनिशियली 1.5 मंथ स्टे करना, 1.5 ईयर स्टे करना है, उसके बाद फिर आपने 5 साल और भी स्टे करना है। आपने टैक्स भी देने हैं, आपने सर्वाइवल भी बनाना है, आपको TRC कार्ड मिलेगा तो जो लोगों की फैमिलीज नहीं है उन्होंने फैमिलीज भी लेके आनी है। अब किया क्या जाए वहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, वो क्या है? Top 3 बिजनेस, वो बिजनेस जो इस वक्त पुर्तगाल की मार्केट में ग्लो कर रहे हैं, इतहाई ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, वो बिजनेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के लिए सर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि वो क्या है। सर रेस्टोरेंट, आप वो रेस्टोरेंट ना प्लान करें जिसके ऊपर आप ये चाहते हैं कि आप जो है ना वो जाके 50-60 हज़ार यूरो लगा देंगे, ऐसा कोई रेस्टोरेंट ना प्लान करें। आप एक स्मॉल स्केल पे रेस्टोरेंट को देखें, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका खाना इतना अच्छा और इतना नायाब हो कि 5 यूरो, 6 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो के अंदर अंदर हर बंदा खाना खा के जाए। बल्कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यार ये जो 3 यूरो का खाना है या 4 यूरो का खाना है या 5 यूरो का खाना है, ये बंदा खाए ही मेरे रेस्टोरेंट से। अब प्लान आपने करना है, आप क्या उसमें एक अच्छी चीज़ जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट एक बिजनेस मैंने आपके सामने बता दिया। अगर एरिया पूछना चाहेंगे, टोटल कॉस्ट पूछना चाहेंगे, बाकी चीज़ें पूछना चाहेंगे, मुझे एक कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, आई विल बी गेट बैक टू यू।
नंबर टू के ऊपर है, बड़े स्मॉल स्केल के ऊपर मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे से स्केल के ऊपर मैं बता रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि आपके अंदर अगर सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल है, आप कुछ चीज़ वहाँ पे सेल कर सकते हैं, कुछ चीज़ आप वहाँ पे जाके बेच सकते हैं, टू समहाउ थोड़ी सी जुबान की आपको समझ आ गई है, तो सर टूरिस्ट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, आप मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज बेचना शुरू कर दें, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बंदा जो जॉब करता है, एक बंदा जो ये मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज बेचता है, दोनों में मंथ के एंड पे 500 से 600 यूरो का डिफरेंस आएगा, 500-600 यूरो का डिफरेंस आएगा। जॉब करने वाला बंदा 500-600 यूरो कम कमाएगा और बिजनेस करने वाला बंदा 500-600 यूरो ज़्यादा कमाएगा। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ उस बंदे के लिए जो एक आम बंदा है सर, उस बंदे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जो बड़े हाई स्केल के ऊपर है, एक आम बंदा जो चाहता है कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं जाके मूव करूँ, तो मैं कौन सा काम जो है ना वो कर सकता हूँ। फिर जब वो अपनी इन चीज़ों को बिल्डअप कर लेगा तो फिर वो अपनी शॉप से स्टार्ट करेगा, फिर वो अपनी शॉप के बाद अपनी शॉप को एक्सपेंड करेगा, अपनी टीम को बिल्ड करेगा, फिर ऑन सो ऑन वो अपनी शॉप को एक्सपेंड करेगा। एक बिजनेस मैंने आपको बताया कि ये काम आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, इससे भी आपका बिजनेस जो है ना वो बढ़ने के चांसेस हैं और आप फर्दर आगे बिजनेस प्लान की तरफ लेके जा सकते हैं इन चीज़ों को। नंबर थर्ड के ऊपर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। वो सर इंटरेस्टिंग बिजनेस क्या है, जब आप पुर्तगाल की मार्केट को सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले जब भी किसी भी मार्केट में हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पांव रखना चाहते हैं तो उस मार्केट की डिमांड को देखते हैं, इस मार्केट की डिमांड क्या है, उस मार्केट की डिमांड के अलावा हम उस मार्केट का वीक जोन देखते हैं, इस मार्केट का वीक जोन क्या है, उस वीक जोन के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा काम ऐसा है जो हम करेंगे बाकी कोई नहीं कर रहा। आप जब वो काम करेंगे जो आप करेंगे बाकी कोई नहीं कर रहा, तो उससे आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वो आप कर रहे हैं, बाकी कोई बंदा तो वो काम नहीं कर रहा। तो जब आप उस चीज़ को मार्केट में लेके आएंगे, आप उस चीज़ की इंट्रोडक्शन मार्केट में करवाएंगे, तो आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई जिसमें मैंने आपको उसका बताया कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बार्बर शॉप के बारे में, उस वीडियो में मैंने आपके साथ होटलिंग इंडस्ट्री के बारे में शेयर किया, और भी दो तीन बिजनेस जो है ना उसके बारे में मैंने शेयर किया। सर अगर आपके पास पैसा है, आप फार्मिंग का बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एक पोल मिलेगा फार्मिंग का बिजनेस। सपोज टू बी फार्मिंग के बिजनेस में आप समझते हैं कि यू आर नॉट कैपेबल, आप नहीं उसको कर सकते, तो फिर एक काम करें, अपने पैसा को इन्वेस्ट करें किसी बिल्डिंग पे, आप बिल्डिंग बाय करें, फुली बिल्डिंग रेंट आउट कर सकते हैं तो इट्स फाइन, अगर फुली बिल्डिंग रेंट आउट नहीं कर सकते तो दो तीन लोगों को मिलाएं, उस बिल्डिंग को ले लें, उसके बाद उसको फर्दर आगे रेंट आउट करें। आप इन ट्रिक्स को, इन टिप्स को जो मैंने बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं, इनको आजमाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके बताइएगा। ये वो चीज़ें हैं जो शायद एक दो बिजनेस तो कोई एक आदमी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी दो तीन लोगों को आप साथ मिला के स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू विल बी गेट अ मोर एंड मोर प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। एंड लास्ट पे जो एक और इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, वो है लॉजिस्टिक्स का बिजनेस। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस सर, जिसके कहते हैं कि गाड़ी रेंट पे ले लेना और उसको आगे दे देना, रेंट की गाड़ियां दे देना, लॉजिस्टिक्स मतलब उसमें सप्लाई की गाड़ियां हो सकती हैं, रेंट एक कार नहीं बनानी आपने, सप्लाई की गाड़ियां हो सकती हैं, कंपनीज को सप्लाई लगा के दे सकते हैं, आप अपना ड्राइवर उस गाड़ी के ऊपर रख के उनको दे सकते हैं। तो कुछ इसमें मैंने मीडियम लेवल पे बताई हैं, कुछ चीज़ें मैंने लार्ज स्केल पे बताई हैं, क्योंकि मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही होती हैं वो समटाइम बड़े लार्ज स्केल पे आ रही होती हैं, जिन लोगों की 40-45 जो है ना वो की ब्रैकेट होती है कि हम जो है ना इतना स्पेंड कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।